आज सुबह जब नींद खुली तो हाथ मोबाइल पर गया और देखा एक दोस्त का मैसेज कि ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करा दे, कि ऑक्सीजन डाउन जा रही है, घुटन भी महसूस हो रही है। उस मैसेज को आए 5 घंटे हो चुके थे। मैंने उसे हड़बड़ाते हुए फोन किया, मैं लेट हो गया यार मैसेज देखने में, क्या हाल है तेरे? तो बोला, बहुत बुरा हाल है, सांस नहीं ले पा रहा हूं, किसी हॉस्पिटल में एडमिट करा दे, नहीं तो बचूंगा नहीं। अभी तो बच्चे भी छोटे हैं और माँ बाप को भी देखना है, कुछ करा दे वरना तेरी भाभी घर नहीं संभाल पाएगी। मैंने इसे हिम्मत देते हुए कहा, तू चिंता मत कर यार, मैं कुछ करता हूं। ये बोलकर मैंने फोन रख दिया, ढूंढने लगा अस्पताल, एक बेड दिला दो। तो सभी अस्पतालों ने पूछा कितना ऑक्सीजन लेवल है और सीटी स्कोर क्या है। मैंने कहा, सांस नहीं ले पा रहा है, हिम्मत टूट रही है, तो जल्दी एक बेड दिला दो, मेरे दोस्त की सांसों को बचा लो। पर अस्पताल का जवाब इस तरह आया, ना ऑक्सीजन की व्यवस्था है, ना आईसीयू में वेंटिलेटर, नॉर्मल हो तो ले आना वरना जिम्मेदारी हमारी नहीं है। थक हार कर मैंने वापस फोन किया तो पता लगा कि दोस्ती नहीं है। अफसोस होता है कि कुछ ना कर पाया, दोस्त की दोस्ती भी ना निभा पाया। क्या करूं ऐसी व्यवस्था का जो वक्त पर काम ना आई, जो दोस्त की जिंदगी के लिए सांसें भी ना दिला पाया। इस व्यवस्था में हमारे नेता कहते हैं इंडिया बदल रहा है, कुछ अस्पतालों के बाहर तो कुछ घर पर ही दम तोड़ रहा है। वारे मेरा इंडिया बदल रहा है। आज मैसेज पढ़ने से डर लगता है कोई बुरी खबर ना हो, हिम्मत नहीं होती कि किसी को फोन कर पाऊं, क्या दिलासा दूंगा कि कुछ ना कर पाऊं। क्या कहूं, मेरा इंडिया बदल रहा है।